एस्टिगमैटिज्म यानी कि सिलिंड्रिकल पावर चश्मे का आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि क्या ये एस्टिगमैटिज्म भी ब्लाइंडनेस कर सकता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मोहिता शर्मा, सीनियर आई सर्जन एंड फिको रिफ्रैक्टिव स्पेशलिस्ट एट तिरुपति आई सेंटर सेक्टर 33 नोएडा। एस्टिगमैटिज्म मतलब हुआ कि जो पावर है चश्मे का वो एक पर्टिकुलर एक्सिस में है। हमारा ये कॉर्निया या ब्लैक पोर्शन कर्व्ड होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये एक रेगुलर कर्व हो। जब ये रेगुलर कर्व ना हो तो फिर इसमें ये हो सकता है कि एक एक्सिस में ये ज्यादा कर्व्ड है, तब आता है एस्टिगमैटिज्म या सिलिंड्रिकल पावर। तो चश्मे में आपको सिलिंड्रिकल पावर दे दिया जाता है। बहुत कॉमन है ये एस्टिगमैटिज्म, लेकिन अगर ये एस्टिगमैटिज्म ज्यादा हो या तेजी से बढ़ रहा हो तो ये इंडिकेट कर सकता है एक बीमारी जिसका नाम है केराटोकोनस। केराटोकोनस मतलब हुआ कि ये जो कॉर्निया है ऐसे कोन शेप्ड हो जाता है। आप देख रहे हैं ये दो कॉर्निया, अगर कंपेयर करें ये नॉर्मल कॉर्निया या ब्लैक पोर्शन या काली पुतली है, ये केराटोकोनस है। और एस्टिगमैटिज्म हाई मतलब हो सकता है केराटोकोनस, और ये आजकल बहुत कॉमनली हो रहा है बच्चों में, और ये ब्लाइंडनेस पार्शियल या कंप्लीट का एक कॉज है। तो जब भी बच्चे को अगर हम सिलेंडर देखते हैं तो फिर हम एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसका नाम है ट्रोपोग्राफी, जिसमें हम कॉर्निया की सरफेस को देखते हैं, और एक पैकीमेट्री नाम से इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसमें हम देखते हैं कॉर्निया की थिकनेस कितनी है, क्या वो पतला तो नहीं है, क्या उसमें रेगुलरिटीज तो नहीं है, जिससे हम डायग्नोस करते हैं कि कोई बीमारी जैसे केराटोकोनस या कोई और बीमारी तो नहीं है आंख में। अगर ऐसा है कि हमको इसका डाउट भी लगे तो हम कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, और आपको फिर से 3 मंथ्स के बाद आने को कहते हैं, जिसमें हम इसको सीरियली मॉनिटर करते हैं कि क्या ये एस्टिगमैटिज्म या केराटोकोनस बढ़ रहा है और केराटोकोनस की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा है तो हम आपको कुछ मेडिकेशन देके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक प्रोसीजर है जिसका नाम है कोलेजन क्रॉस लिंकिंग, जिससे हम कॉर्निया को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि जिससे ये केराटोकोनस रुक सकता है, एस्टिगमैटिज्म स्टेबल हो जाता है। तो अगर कभी भी सिलिंड्रिकल पावर है और अगर ये सिलिंड्रिकल पावर के साथ डॉक्टर को लगता है कि कोई सस्पिशन है ऑफ केराटोकोनस, तो इन्वेस्टिगेशन जरूरी है जिससे ब्लाइंडनेस को रोका जा सके टाइमली ट्रीटमेंट से। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एस्टिगमैटिज्म को डायग्नोज करना और ट्रीट करना कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर और भी कुछ आप जानना चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं, हम जरूर आपको आंसर देंगे। और इसी तरह के और वीडियोज आप देखना चाहें तो हमने ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज और बनाए हैं जो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।